क्या है केजीएफ वोस, कैसे अलग है ये मेटावर्स से, क्या ये केजीएफ टीम की है कोई पीआर एक्टिविटी। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है केजीएफ चैप्टर 2 और केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर ने दर्शकों के होश उड़ा दिए। देश भर में हलचल मचाने के बाद फ्रेंचाइजी ने दुनिया को केजीएफ वर्स से परिचित कराकर मेटावर्स पर अपनी नजर जमा ली है। यश के फैंस अब मेटावर्स में रॉकी भाई की दुनिया केजीएफ वर्स को एक्सप्लोर और अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी की प्रशंसकों से मिले प्यार के बदले केजीएफ वर्स एक डिजिटल अवतार बेस्ड यूनिवर्स है जो इन प्रशंसकों को समर्पित है। आने वाले दिनों में निर्माता प्रशंसकों के समुदाय को मेटावर्स की फ्रेंचाइजी के विस्तार के रूप में वर्चुअल एनवायरनमेंट और गेम की एक सीरीज बनाने में सक्षम बना रहे। एल डोराडो, जिस किताब पर केजीएफ फ्रेंचाइजी आधारित है, उसके टोकन के मालिक होने से शुरू होकर प्रशंसक एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, जो उन्हें फिल्म के अवतार, प्रॉप्स, लैंड पार्सल और एनएफटी के रूप में बाकी यादगार चीजों में एक्सेस देता है। सदस्यों को अन्य एनएफटी, सरप्राइज, एयरड्रॉप्स और फिल्म के व्यक्तिगत इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। निर्माताओं ने केजीएफ वर्स को अपने सोशल मीडिया पर पेश किया है। अब इसका लुक रॉकी भाई ने भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। निर्माताओं ने केजीएफ वर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वीडियो शेयर किया। साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, हैशटैग मेटावर्स जल्द ही रॉकी भाई की दुनिया बनने जा रही है, एक भव्य प्रतिष्ठ के लिए तैयार हो जाओ। 7 अप्रैल को बिक्री के लाइव होने पर बने रहे #KGFverse #KGF2। वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है मेटावर्स और KGFverse। दोस्तों, दरअसल मेटावर्स एक डिजिटल अवतार बेस्ड यूनिवर्स होता है और यहाँ लोग वर्चुअल रियलिटी दुनिया में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गेम खेलते हैं और इत्यादि चीजें करते हैं। यही मूवी फैंस और ऑडियंस का घूमने मिलने वाला तरीका है जहाँ लोग कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं। अब केजीएफ ने इस वर्जन में पर इसलिए रखा है क्योंकि वो अपने केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही फैंस से कनेक्ट कर पाए। केजीएफ वर्स में आकर मेकर्स ऑडियंस से कनेक्ट करते हुए कुछ ऐसी सीरीज ऑफ गेम्स बनाना चाहते हैं जिससे केजीएफ फिल्म को बढ़ावा मिल सके। समय के साथ इस केजीएफ वर्स में डेवलपर्स गेम्स बनाएंगे जिसके इसके वर्जन को बेहतर किया जा सकता है। बता दें केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। ये फिल्म प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म को उत्तर भारतीय बाजारों में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सब वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त नितिन आज आपके सामने लेकर सुपरस्टार यश ने एक बार फिर अपने जबरदस्त एक्शन से सबका दिल जीत लिया। वहीं ट्रेलर में अभिनेत्री रवीना टंडन और एक्टर संजय दत्त भी फुल फॉर्म में दिखाई दिए। होस्ट करेगा केजीएफ चैप्टर 2 का ग्रैंड ट्रेलर इवेंट, कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस प्रोग्राम को। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज आपके लिए लेकर आई हूं स्टारडम से भरी मूवी केजीएफ 2 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के बेहतरीन और सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक करण जौहर इस साल की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट को बैंगलोर में होस्ट कर रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इवेंट कितना ग्रैंड और शानदार होने वाला है। अब जैसा कि सब जानते ही हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को बड़े पैमाने पर थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है, तो ऐसे में इस मेगा एक्शन एंटरटेनर के निर्माताओं ने फिल्म का प्रमोशन करने का फैसला किया है और इसके लिए वो 27 मार्च को बैंगलोर में सबसे बड़ा ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित कर रहे हैं। ये लोगों के लिए एक ट्रीट जैसा है जहां इंडस्ट्री के हाई फाई लोगों के साथ पूरे कास्ट और क्रू एक साथ नजर आएंगे। इस उम्मीद को और आगे बढ़ाते हुए निर्माताओं ने फिल्म मेकर करण जौहर को इस हफ्ते बैंगलोर में होने वाले फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को होस्ट करने के लिए मना लिया है। बता दें कि अपनी प्रभावशाली कहानी, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस, आकर्षक साउंडट्रैक और शानदार प्रदर्शन के एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन के साथ चैप्टर 1 ने भारतीय सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स और उम्मीदों को तोड़ दिया है। अब संजय दत्त, रवीना टंडन को एक शानदार स्टार कास्ट के साथ ही उम्मीद किया जा रहा है कि चैप्टर 2 भी अपने ही बनाए पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में देश भर में रिलीज होने वाली है।
केजीएफ चैप्टर 2 को प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले निर्देशकों में से एक है। साथ ही इसे हुमेबल फिल्म्स के बैनर तले विजय द्वारा निर्मित किया गया है। उभरते हुए पैन इंडिया प्रोडक्शन हाउसेज में से एक हुमेबल फिल्म्स आने वाले 2 वर्षों में उद्योग की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से कुछ को बैंकरोल करने के लिए तैयार है। इसमें प्रभास स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म सलार भी शामिल है। केजीएफ चैप्टर 2 को उत्तर भारत के बाजारों में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक्सेल ने दिल चाहता है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय और कई अन्य हिट फिल्मों को प्रस्तुत किया है। क्या गरुड़ा की होगी वापसी? यश के लिए नहीं तो किसके लिए आएगा अधीरा? क्या हो सकता है फिर से गरुड़ा का राज? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दक्षिण भारतीय हिट फिल्मों की जब भी बात की जाएगी तो केजीएफ 2 का नाम जरूर आएगा। साउथ के फेमस हीरो यश के ने रॉकी भाई के किरदार निभाकर कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, लेकिन इस फिल्म में यश के अलावा अगर किसी और ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है केजीएफ का विलन। खतरनाक लुक से गरुड़ा ने सबका दिल जीत लिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ा का रोल निभाने वाले राजू असल जिंदगी में एक बॉडीगार्ड थे। साउथ के स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर शुरुआत से ही काफी बज बना रहा है और अब फिल्म के पहले पार्ट में विलेन रहे गरुड़ा सबको याद आ रहे हैं। गरुड़ा यानी कि रामचंद्र राजू ने 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 से ही अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल ऐसे दमदार तरीके से निभाया कि लोग कायल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचंद्र एक्टिंग की दुनिया में एंट्री लेने से पहले बतौर बॉडीगार्ड काम कर रहे थे। रामचंद्र अपनी पहली फिल्म के हीरो यानी कि यश के बॉडीगार्ड थे। फिल्म में रामचंद्र की परफॉर्मेंस देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी पहली फिल्म थी और उनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा दमदार थी कि लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। रामचंद्र राजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक्टर बनेंगे, लेकिन असलियत कभी कभी सपने से हसीन होती है। फिल्मों में आना भी उनके लिए एक इत्तेफाक ही था। दरअसल केजीएफ के राइटर स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए यश के पास पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामचंद्र को देखा और उन्हें देखते ही गरुड़ा के किरदार में फिट कर दिया। राइटर ने रामचंद्र को एक बार ऑडिशन देने को कहा और फिर उनका रोल पक्का हो गया। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि जो गरुड़ा सबको लगता है कि मर गया, लेकिन वो मरा ही नहीं हो। तो जी हाँ, गरुड़ा की वापसी हो रही है केजीएफ 2 में, लेकिन केजीएफ 2 के राजा के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ के दास और गुलाम के रूप में। अब गरुड़ा अपनी ही सोने की खान में काम करेगा और वही अनुभव लेगा जो वो लोगों को आज तक देता रहा था, ताकि उसको भी पता चल सके कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है। इसीलिए अधीरा की एंट्री होगी, जो अपने भतीजे को छुड़ाने आएगा, लेकिन खुद ही राजनीति कर जाएगा। और इसके भैया कहते हैं कि इसे राजनीति नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, क्या गरुड़ा की होगी वापसी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। केजीएफ की कौन सी है वो किरदार जिसके डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम सिर्फ जंग जीतोगे, लेकिन अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली और तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। केजीएफ की कहानी शुरू एक छोटे से बच्चे से हुई थी। उसकी छोटी सी मुट्ठी में तब सिक्कों की खनक भले ही कम थी, लेकिन जिगर में पूरा समंदर था। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, बनना था तो विलेन। ये छोटा सा पौधा कब कोलार गोल्ड फील्ड के लिए बरगद बन गया किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस पौधे के बीज को जिस माँ ने सींचा था उसके सिर्फ एक डायलॉग ने पूरी मूवी को पलट दिया था। अगर अपने आखिरी वक्त में उस माँ ने अपने बेटे रॉकी से जीत कर आने की कसम नहीं ली होती तो मिट्टी से सनी खदान में सोने सा चमकता रॉकी भाई पैदा नहीं होता। किरदार छोटा था लेकिन असरदार था। ये किरदार निभाया 27 साल की कन्नड़ एक्ट्रेस अर्चना रोवेस ने। रॉकी की माँ का किरदार निभाने वाली अर्चना ने अपने किरदार से खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। आइए आपको बताते हैं अर्चना रोवेस की प्रोफाइल के बारे में, जिन्होंने अपने चंद मिनटों के किरदार से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। केजीएफ चैप्टर 1 ने साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा पर खास छाप छोड़ी थी। 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाली सुपरस्टार यश की केजीएफ के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। कोलार की सोने की खदानों को लेकर कन्नड़ मूवी केजीएफ ने धूम मचा दी थी।
केजीएफ की कहानी किरदार मूवी का केंद्र से लेकर हर कलाकार खूब लोकप्रिय हुआ था। अब मूवी के दूसरे पार्ट की बात करें तो बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद एक्टर यश स्टारर मूवी केजीएफ चैप्टर 2 निश्चित रूप से इस साल रिलीज होने वाली सबसे मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया सीक्वल में से एक है। एक्शन से भरपूर ड्रामा केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए दर्शकों का उत्साह काफी बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि मूवी के सिनेमा घरों में हिट होने से पहले ही मेकर्स और फैंस के बीच ये एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। दरअसल दर्शकों केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स मूवी का ट्रेलर रिलीज करने से पहले फैंस को उत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यश स्टार मूवी के एक नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है जिसके अनुसार मूवी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी और इसका ट्रेलर रिलीज होगा 27 मार्च 2022 को। काश की अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 2 चैप्टर 1 से कितनी अलग होगी। क्या संजय दत्त का किरदार पड़ेगा यश पर भारी या रवीना टंडन का किरदार पलट देगा पासा। इतिहास हमें बताता है कि ताकतवर लोग ताकतवर जगहों से आते हैं। दोस्तों इतिहास गलत था, ताकतवर लोग जगह को ताकतवर बनाते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर को रिलीज हुए एक साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है लेकिन फैंस के दिलों में ये डायलॉग आज भी गूंज रहा है और वो भी क्यों ना। आखिर केजीएफ चैप्टर 1 ने जिस लेवल का एंटरटेनमेंट दर्शकों को दिया उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। 2018 में रिलीज हुए कन्नड़ फिल्म केजीएफ को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि हर एक की जुबान पे रॉकी का किरदार निभाने वाले एक्टर यश का ही नाम था। लेकिन अब लगभग 4 साल बाद इंतजार खत्म हुआ क्योंकि केजीएफ के मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 की फाइनल ट्रेलर मूवी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है जिसमें ट्रेलर 27 मार्च और मूवी 14 अप्रैल तक रिलीज होगी। हालांकि इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को जरूर मिलने वाली है। केजीएफ चैप्टर 1 की तरह इस फिल्म का लेखन और निर्देशन डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया और ये होमेबल फिल्म्स के बैनर के तले बनी है जिसे तेलुगु तमिल मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म में हमें केजीएफ चैप्टर 1 के आगे की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें फैंस को कई नए और ताकतवर किरदार देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बाज है संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा का जो देखने में किसी योद्धा से कम नहीं लगते और इस फिल्म में हमारे फेवरेट कैरेक्टर रॉकी के साथ अधीरा का हैंड इन हैंड कॉम्बैट देखने को मिल सकता है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मूवी में रॉकी का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा। यश के अपोजिट श्रीनिधि शेट्टी है जो रीना का किरदार निभा रही है और टीजर से हमें पता चलता है कि उनकी कैरेक्टर को इस मूवी में भी और डेप्थ दी गई है। वहीं प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन के लुक को भी खूब सराहा जा रहा है और खबरों की माने तो वो इस फिल्म में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि रॉकी को रोक सकती है। अब इस फिल्म में रॉकी के इतने सारे विलन्स हैं कि उंगलियों में गिनना मुश्किल होगा। उनमें से एक नाम इनायत खलील का किरदार निभाने वाले कलाकार बालकृष्णा का भी है जो इस पार्ट में रॉकी को कड़ी टक्कर देंगे। दर्शकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि इतने सारे अपोनेंट्स के होते हुए भी कैसे रॉकी केजीएफ की कमान अपने हाथ में रखेंगे और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। रोमांस और एक्शन से भरपूर इस फिल्म का पूरा बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है और ऑडियंस के क्रेज को देखकर लगता है कि ये फिल्म भी पार्ट 1 की तरह ब्लॉकबस्टर साबित होगी। सालों से फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर रॉकी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है पर अब ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मेकर्स इस इंतजार को किस तरह भुनने में कामयाब रहते हैं। पार्ट 1 में रॉकी को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इससे कई ज्यादा चुनौतियां पार्ट 2 में उसका इंतजार कर रही है। पर जो भी है इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। क्या अच्युत कुमार की थी केजीएफ पहली हिट फिल्म? क्यों अच्युत कुमार को है ये फिल्म पसंद? हाय एवरीबॉडी, दिस इज साची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग मीडिया। आजकल जिस फिल्म के हर जगह चर्चे हो रहे हैं वो है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी पहली पार्ट लोगों को इतनी पसंद आई, उसकी कहानी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और इसलिए लोग अब इंतजार कर रहे हैं तो बस केजीएफ चैप्टर 2 का।
वैसे इस फिल्म में भी आपको वो हर एक कैरेक्टर दिखाई देगा जिसकी वजह से ये फिल्म हिट साबित हुई थी। वैसे इस फिल्म में भी गुरु पंडियन का किरदार आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। जो बदलाव देखने को मिलेगा वो ये हो सकता है कि उनका कैरेक्टर बीच में ही खत्म हो जाए या यूं कह ले कि उनकी मौत हो जाएगी। अब ऐसा करना तो फिल्म की कहानी की डिमांड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनके कैरेक्टर की पावर खत्म हो जाएगी। अब खत्म होगा भी कैसे, क्योंकि उनके किरदार को उसी तरह देखेंगे जैसे KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था। अब देखना ये है ऑडियंस अच्युत कुमार को कितना पसंद करते हैं। बात करें फिल्म की तो ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि, प्रकाश राज, क्यों गए थे यश उडुपी, कहाँ खेला यश ने क्रिकेट, कहाँ है उडुपी जिला, किस स्टूडियो में बना है KGF 2 का संगीत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में KGF 2 स्टार यश की स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सभी की सराहना हो रही है। बता दें, यश, निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता किरंगादूर की फिल्म KGF 2 के गानों को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापुर स्थित संगीत निर्देशक रवि बसरूर के स्टूडियो में थे। लेकिन क्या आपको पता है कहाँ है उडुपी जिला? बता दे, ये भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय उडुपी है। जिला अरब सागर के तट के किनारे पर बना हुआ है और मंगलूर से उत्तर में पड़ता है। यहाँ प्रसिद्ध मणिपाल शैक्षणिक संस्थान है जो शहर के आसपास फैला है। धार्मिक परंपरा में द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन और कार्यभूमि यही नगरी रही है। भारत में अभी भी कई ऐसे जिले और राज्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन सिनेमा हमें इससे अवगत कराता है। आज सिर्फ सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि कई सारी जरूरी बातों को हम तक पहुंचाने का एक सहारा बन गया है, जिसका उदाहरण ये जिला है। वैसे बता दे, यश एंड टीम ने काम से समय निकालकर रवि बसरूर के स्टूडियो के बगल में मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला। यश की खेल भावना की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बल्लेबाजी की और स्वैग के साथ विकेटों के बीच दौड़े। साथ ही KGF 2 की टीम ने विशेष पूजा अर्चना करने के लिए प्रसिद्ध कोलूर मुकाम्बिका मंदिर का दौरा किया और देवी से आशीर्वाद मांगा। टीम ने अनेगुड्डा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बता दे, फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है, जिसकी कहानी रमिका सेन की कुर्सी से शुरू होते हुए अधीरा के महल तक जाएगी, लेकिन अधीरा और रमिका की मुलाकात पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं होगी। दोनों ही फिल्म में काफी पावरफुल दिखाए हैं और पावरफुल लोगों का कभी आमना सामना नहीं होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों के शूटिंग टाइम और शेड्यूल की वजह से फिल्म में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। किस फिल्म से क्लैश होते होते बच गई? क्या कनेक्शन है संजय दत्त का रॉकी नाम से? क्या अब नहीं चलेगा नौरा का जादू? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। यश खन्नर के सुपरस्टार तो हैं ही, पर अब देश की शान बन चुके हैं और ये सब उनकी मेहनत और ऑडियंस के प्यार का नतीजा है। दोस्तों, 2004 से उन्होंने एक कन्नड़ सीरियल से अपना सफर शुरू किया और आज वो KGF स्टार के नाम से बुलाए जाते हैं। दोस्तों, सब तरफ उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। दर्शक तो उनकी एक झलक देखकर ही पागल हो रहे हैं। उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 ने तो जबरदस्त धमाका कर ही दिया है, पर अब फिर से एक बार पार्ट 2 के साथ वो हाजिर होंगे दर्शकों के सामने। वैसे आपको एक बात बताएं, दरअसल दोस्तों रॉकी नाम के साथ संजय का एक पुराना रिश्ता है, कह सकते हैं ये नाम उनके लिए काफी लकी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे,
तो आपको बता दें कि उनकी डेब्यू फिल्म का नाम भी रॉकी था, जो कि उस समय काफी सुपर हिट रही थी और अब वो इस फिल्म में भी अपना दमदार परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो हुआ ना जबरदस्त कनेक्शन। लेकिन दोस्तों फिल्में बस इसी से नहीं चलती हैं। दर्शकों को मसाले के लिए कुछ तड़कता भड़कता डांस नंबर भी चाहिए होता है। अब ऐसे में दोस्तों महबूबा गाने पर अपना सिजलिंग अंदाज दिखाने वाली हैं नौरा फतेही का डांस तो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुका है। उनके बेली डांस के काफी दीवाने देखने को मिलेंगे, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सारे गानों में उनका एक ही अंदाज देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बोरिंग हो चुका है। इससे कुछ हटके करने की दर्शकों की मांग है। और फिर आइटम सॉन्ग की रेस में मलाइका अरोड़ा, मौनी रॉय, राखी सावंत जैसी कई मशहूर अदाकारा भी तो शामिल हैं, जो कुछ अलग कमाल दिखा सकती हैं। और तो और दोस्तों अब तो फिल्म पुष्पा से समांथा ने भी साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। इस बार तो कुछ हटके देखने को मिलेगा ही, ऐसी दर्शकों को आशा है। और एक खुशखबरी जानना चाहते हैं, तो पहले तो आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रिलीजिंग डेट को लेकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि टॉलीवुड में भी काफी सारी मुसीबतें आ रही हैं, जैसे कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी समय आ रही है। पर साउथ सुपरस्टार थल्लापति विजय की आने वाली फिल्म बीस्ट जो 14 मार्च को रिलीज होने वाली थी उसे मेकर्स ने किसी कहा आमिर के भाई फैजल खान ने फिल्मों के क्लैशेस के ऊपर, किसको दी पुनीत राजकुमार ने बधाइयां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कैसे हैं आप सब लोग? हम जानते हैं कि जब से केजीएफ 2 का ट्रेलर और पोस्टर रिवील हुआ है आपके लिए इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं दोस्तों, अब काफी कम समय बचा है फिल्म को रिलीज होने में। तब तक के लिए हम कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। केजीएफ की सक्सेस के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील ने सेकंड पार्ट बनाने का फैसला किया था और आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और यकीन भी है कि दर्शक इस फिल्म को भी उतना ही प्यार देने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश फिर से एक बार रॉकी भाई का जबरदस्त अंदाज दिखाने आ रहे हैं। फिल्म में एक्शन मसाला होगा ही, क्योंकि ये कहानी गैंगस्टर के बीच की है। इस बार अधीरा फिल्म का खतरनाक विलन रॉकी भाई को चुनौती देने वाला है। वहीं अधीरा का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि फिल्म की लीड हीरोइन होने वाली हैं खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी और उनके साथ पॉलिटिकल तड़का लगाने आ रही हैं रवीना टंडन। वैसे ट्रेलर जब से सामने आया है तब से सबके होश उड़ गए हैं। दर्शक तो हैरान थे ही, पर सेलिब्रिटीज भी दंग रह गए। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन भी इसमें पीछे नहीं है। उनके हिसाब से एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाना बहुत बड़ी बात है। टीजर देखने के बाद उन्होंने यश के जन्मदिन पर कहा कि टीजर जबरदस्त है और साथ ही में आप भी अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट। उनके बाद सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन और मोहनलाल ने भी खूब तारीफ की है। कन्नड़ इंडस्ट्री के अन्ना यानी कि मेगा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके अकाउंट से भी यश को ढेर सारी बधाइयां दी गई हैं। फिल्म के रिलीज के पहले ही इतनी चर्चा हो रही है तो इसे सुपरहिट बनने से आखिर कौन रोक सकता है। हाँ दोस्तों, ये बात तो है कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी बदलाव होने की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने को हैं। अब देखिए आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी उसी वक्त रिलीज होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि क्लैशेस तो होंगे ही। और इस पर कहते हुए आमिर के भाई डायरेक्टर फैजल खान ने कहा, मैंने देखा रिलीजिंग डेट को लेकर काफी परेशानी हो रही है, पर दोनों ही फिल्में कमाल की हैं और अगर ये दोनों एक दिन रिलीज होंगी तो मैं चाहूंगा कि दोनों को ही उतना प्यार मिले, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है जब फिल्म लगान और गदर आमने सामने आई थी। वेल गाइस, प्रशांत, अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। क्या कंफर्म हो गए हैं फिल्म के ब्रॉडकास्ट राइट्स? कहां पहुंची फिल्म की पूरी टीम मन्नत मांगने? केजीएफ चैप्टर 2 के प्रीमियर पर दिन पर दिन देरी के बाद प्रोडक्शन टीम ने पुष्टि की है कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। केजीएफ चैप्टर 2 का प्रीमियर अक्टूबर 2020 के एंड में होने वाला था,
लेकिन चल रहे कोरोना वायरस महामारी और संजय दत्त के हेल्थ इश्यू से जुड़े प्रॉब्लम्स के कारण इसे डिले करना पड़ा। 6 जुलाई को प्रशांत नील द्वारा एक नई पोस्टर इमेज शेयर की गई थी। शुक्र है हमें उसके बाद बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेन लीड एक्टर यश ने अगस्त 2021 में अपने सोशल मीडिया पेज पर पुष्टि की कि 14 अप्रैल 2022 के लिए एक नई डेट सेट की जाएगी। नई रिलीज की तारीख के साथ यह पता चला कि जी नेटवर्क ने ऑफिशियल तौर पर केजीएफ चैप्टर 2 के कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। जी तमिल तमिल भाषा की डबिंग को ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसमें जी तेलुगु, जी कन्नड़ और जी केरलम मलयालम डबिंग के लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे। इंटरनेशनली खबरें ऐसी आई हैं कि Amazon प्राइम वीडियो मई 2020 से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मार्च 2021 में नई अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगी कि फिल्म को Amazon पर 55 करोड़ रुपए में बेचा गया था। हालांकि लेट्स ओटीटी ग्लोबल ट्विटर पेज ने कहा कि Amazon प्राइम अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन डिजिटल रिलीज पर बातचीत कर रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी डब वर्जन की प्लानिंग यश द्वारा खुद की जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वह हिंदी डायलॉग्स के लिए अपने एक्सेंट को परफेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि जब यह बात पता चली कि यश डबिंग पर काम नहीं करेंगे, यह कहते हुए कि बड़े पर्दे पर दर्शकों के एक्सेंट को समझना मुश्किल हो सकता है, वहीं हाल ही में एक खबर सामने आई। कन्नड़ स्टार यश ने केजीएफ चैप्टर 2 टीम के साथ कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए थे। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। वे पिछले 2 दिनों से प्रमोशन शुरू करने की तैयारी में हैं। केजीएफ चैप्टर 2 काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। उस रात 2 घंटाए हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। रवीना करेंगी श्रीनिधि का सामना, पावर के लिए मिलाएंगे रॉकी और रामी का हाथ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आप थिएटर में ऐसी किसी फिल्म को देखने जाइए जिसकी कहानी आपको पहले से पता हो, तो क्या आप जाएंगे? आप भी एक बार सोचेंगे ऐसी किसी फिल्म में अपना वक्त जाया करने से पहले। अब हम हमेशा से ये सोचकर फिल्म देखने जाते हैं कि हमें बड़े पर्दे पर कोई नई कहानी देखने को मिलेगी। जिन फिल्मों की कहानी में कुछ ऐसा ही दम होता है, वो फिल्में कहलाती हैं सुपरहिट। और अब लगता है कि ऐसी ही एक फिल्म हमें जल्द देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इतनी ज्यादा फेमस है कि इसके सीक्वल के लिए सभी एक्साइटेड हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद से लोग सिनेमाघरों में अगले पार्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में तहलका मचाने के बाद अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। इस फिल्म में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि केजीएफ की तरह ही इस फिल्म में भी हमें पावर के पीछे रॉकी भाई का स्ट्रगल नजर आने वाला है, और इस स्ट्रगल को देखने के लिए ही दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ 2 के टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है, वहीं संजय दत्त फिल्म के विलन अधीरा के लुक में नजर आ रहे हैं।
फिल्म में रवीना टंडन का लुक उनके जन्मदिन 26 अक्टूबर 2020 को सामने आया था और इनके इस लुक के रिलीज होते ही सबके मन में एक ख्याल आया था कि क्या फिल्म में रवीना और रॉकी आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फिल्म में रॉकी और रवीना हाथ मिलाएंगे और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस फिल्म में रवीना रॉकी से हाथ मिलाकर श्रीनिधि के किरदार के साथ धोखा करने वाली है। आपको बता दें कि श्रीनिधि फिल्म में रीना का किरदार निभा रही हैं। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद उन्हें अपने इस किरदार के लिए काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। अब हम तो इस कहानी के पार्ट 2 को जल्द से जल्द देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है आपको, क्या और के रिपोर्टर होगी सीक्वल फिल्म में? क्या इस बार भी वो आएगी कहानी सुनाते हुए नजर? और बिना अनंतनाग के कौन सुनाएगा उन्हें कहानी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ का दूसरा चैप्टर जल्द ही आने वाला है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। अब आपको तो याद ही होगा कि उस फिल्म की शुरुआत में आपने एक लेडी रिपोर्टर को देखा था जिसे जर्नलिस्ट और फिल्म के नरेटर बने अनंतनाग केजीएफ की कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। तो इस बार भी केजीएफ 2 में आपको वो लेडी रिपोर्टर नजर आने वाली है। हालांकि इस बार आपको अनंतनाग फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में ये लेडी हेड रिपोर्टर का रोल मालविका अविनाश निभा रही है जिसके कैरेक्टर का नाम है दीपा हेगड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म का नरेटर ही नहीं होगा तो उस लेडी रिपोर्टर को कहानी कौन सुनाएगा? तो आपको बता दें कि मेकर्स ने कहानी को थोड़ा बदल दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में कोई नरेटर नहीं होगा और दीपा हेगड़े जो कहानी सुनने का काम कर रही थी वो इस बार खुद ही आगे की कहानी का पता लगाएंगी। इसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि मालविका अविनाश आपको आगे की फिल्म कहानी दिखाने वाली है। बात करें अनंतनाग की तो कहानी में बदलाव के कारण ही वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। दोस्तों केजीएफ 2 एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे 5 भाषाओं में बनाया गया है। इस फिल्म में आपको यश, संजय दत्त, एंड्रयू, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज अहम रोल्स में नजर आने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। आखिर हीरोइन को क्यों लगा बुरा? किससे इंस्पायर हुआ क्लाइमैक्स? क्यों रवीना बनी एक इंस्पिरेशन? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। केजीएफ 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील और प्रोड्यूस कर रहे हैं विजय किरण। श्रीनिधि शेट्टी जो फिल्म में रॉकी की बीवी का रोल निभा रही है जिनका नाम है रीना, काफी बुरा फील करती है शूट के बाद। चलिए इनके दुखी होने के पीछे की वजह आपको हम बताते हैं। श्रीनिधि शेट्टी को सिगरेट पीना तो दूर उसके धुएं से भी काफी नफरत है। पर केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग के दौरान उनको एक सीन करने को कहा गया था जिसमें रीना यानी की श्रीनिधि शेट्टी रॉकिंग स्टार यश के साथ सिगरेट पीती है और ना चाहकर भी श्रीनिधि को ये सीन करना पड़ रहा था और शूट के बाद उनको काफी बुरा लग रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रीनिधि सिगरेट से जमीन और आसमान का फर्क रखती है और उसी चीज को उन्हें शूट के दौरान यूज करना पड़ रहा था। हालांकि श्रीनिधि ने ये सीन बस 2 मिनट के लिए किया था पर 2 मिनट
लग रहा था। जाहिर है कि फिल्म का क्लाइमैक्स ही फिल्म की हिट होने या ना होने की वजह बता देती है। और केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स की बात की जाए तो फिल्म का क्लाइमैक्स एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म से लिया है और फिल्म का नाम अभी तक रिवील नहीं किया है। तो देखते हैं कि फिल्म का क्लाइमैक्स कैसा रहता है और कैसी रहती है फिल्म की कहानी। और यहाँ रवीना टंडन जो की फिल्म में एक प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रही है जिनका नाम है रानिका सेन फिलहाल काफी चर्चा में है क्योंकि फिल्म में उनकी ड्रेसिंग उन पर काफी ज्यादा जच रही है और उनकी पहनी हुई साड़ियों के डिजाइन इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है और उनके लिए रवीना एक एडोरेबल इंस्पिरेशन बन गई है। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स एंड शॉकिंग न्यूज हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन पर। रवीना और संजय दत्त के किरदार होंगे टीम अप। किस केजीएफ को स्टार पर था रवीना को क्रश। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ चैप्टर 2 वैसे तो एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है मगर इसे हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है और पहली फिल्म की कामयाबी ने दूसरे भाग के लिए इंतजार और बढ़ा दिया है। कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 एक बेहद कामयाब फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। 1960 के दौर में सेट ये पीरियड फिल्म थी जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड्स को लेकर माफिया की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब करके भी रिलीज की गई थी। दोस्तों, दूसरा भाग भी इन चारों भाषाओं में ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म ने यश को उत्तर भारत में खूब पॉपुलैरिटी दिलवाई थी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जैसी उत्सुकता इन दिनों देखने को मिल रही है उसे उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने की ताकत रखती है। दोस्तों, ढेर सारे एक्शन और फाइटिंग मोमेंट्स के साथ ये पक्का है कि केजीएफ चैप्टर 2 काफी उत्साह और मनोरंजन लेकर आएगी। ये तय है कि केजीएफ की आने वाली सीक्वल फिल्म इंटरनेट पर तूफान की तरह छा जाएगी। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 न केवल सभी एक्सपेक्टेशंस को पार करेगी बल्कि ये एंटरटेनमेंट, एडवेंचर और एक्साइटमेंट का एक पूरा पैकेज होगा जिसे ऑडियंस एक्सपीरियंस करेंगी। दोस्तों, आजकल ऐसी कई अफवाहें हैं जो फिल्म के फैंस और फिल्म लवर्स के बीच घूम रही है। दोस्तों, अफवाहों में से एक ये है कि रवीना टंडन संजय दत्त को काम पर रखने और यश को मारने में उनकी मदद करने वाली है और ये दोनों यश के खिलाफ टीम अप होने वाले हैं। अगर हम केजीएफ चैप्टर 1 के फैक्ट्स को देखें तो ये असलियत में एक विश्वास करने वाली अफवाह है। भाई, केजीएफ चैप्टर 2 में वैसे भी संजय दत्त और रवीना टंडन बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए इन दोनों का रिश्ता केजीएफ से पहले से ही है। तो दोस्तों, संजय दत्त भले ही अब एक पारिवारिक आदमी हो लेकिन पुराने जमाने में वो अपनी फीमेल को स्टार्स के काफी पसंदीदा थे। क्या आप जानते हैं कि रवीना टंडन जिन्होंने संजय दत्त के साथ जमाने से क्या डरना, आतिश और विजेता जैसी फिल्म। अगर तुम में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। अंडर वाटर सीन्स के लिए किसने ऑपरेट किए थे कैमरे, कौन है इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कौन है लक्ष्मण रिजवानगर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। केजीएफ चैप्टर 2 साल 2008 में आई फिल्म केजीएफ का सीक्वल है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। पिछली फिल्म केजीएफ में यश के किरदार रॉकी भाई ने करुणा से सीधा मुकाबला किया था लेकिन अब केजीएफ चैप्टर 2 में उनका मुकाबला अधीरा से होगा जो बेहद खतरनाक है और जिसका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज
और कई बड़े एक्टर्स नजर आएंगे। प्रशांत नील की ये फिल्म एक बहुत ही खास फिल्म है और खास फिल्म के लिए उन्होंने खास इंतजाम भी किए हैं। प्रशांत ने अपनी इस फिल्म में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ख्याल रखा था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम को प्रशांत कैसे भूल सकते थे भला। प्रशांत की इस फिल्म में एक्टर्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम सान्या और योगी चिराज ने संभाला था। इस फिल्म में एक्टर्स के रोल के हिसाब से सान्या और चिराज ने बेहतरीन कपड़े डिजाइन किए थे। बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर सान्या और चिराज की ये पहली फिल्म है और उन्होंने इसमें जी तोड़ मेहनत की। उम्मीद है कि ऑडियंस को इनकी मेहनत पसंद आई होगी। वैसे फिल्मों को शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। हर शॉट परफेक्ट होना, कैमरे का सही एंगल होना और कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तब क्या होगा जब यही सीन्स आपको अंडर वाटर शूट करने हो। अंडर वाटर सीन्स शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें नॉर्मल शूट से ज्यादा समय और मेहनत लगती है और हर किसी सिनेमेटोग्राफर को अंडर वाटर शूट करना भी नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि आपको इस फिल्म यानी केजीएफ चैप्टर 2 में अंडर वाटर के कई सीन्स देखने को मिलेंगे। ये सीन्स अब आप सबको बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के बदौलत देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म में भुवन गौड़ा मुख्य सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ही अंडर वाटर शूट करने के लिए सभी कैमरे ऑपरेट किए थे। भुवन इससे पहले कई बार प्रशांत नील के साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में एक ऐसा शख्स भी काम कर रहा है जो इस फिल्म का हिस्सा तो है पर वो इस फिल्म में दिखाई नहीं देगा, बस सुनाई देगा। जी हाँ, सही समझे आप, अपने ये शख्स इस फिल्म में स्टोरी नरेशन का काम कर रहे हैं और इस शख्स का नाम है रिजवान लक्ष्मणगढ़। रिजवान लक्ष्मणगढ़ को लोग रिजवान खान के नाम से भी जानते हैं। रिजवान एक हरियाणवी सिंगर हैं और उन्होंने कई हरियाणवी हिट। की कहानी चुराई है किसी ने कि केजीएफ 2 की कहानी की देखी देखी बन सकती है पुष्पा 2। कोरोना से क्यों नहीं होगा केजीएफ 2 को नुकसान। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। अब प्राइम वीडियो पर भी इसका हिंदी वर्जन रिलीज हो चुका है। अब घर बैठे इसे आराम से देखा जा सकता है। 175 मिनट यानी 2 घंटे 55 मिनट और 5 सेकंड की इस फिल्म को देखने जितने जोश के साथ बैठे, खत्म होते होते उतनी ही मायूसी हाथ लगी। दरअसल इस फिल्म को देखते वक्त कई दफे लगा कि हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा नहीं बल्कि यश की केजीएफ चैप्टर 1 देख रहे हैं। मतलब कुछ नया नहीं था, विलन भी अच्छे नहीं लगे, ट्विस्ट भी कई दफा फीका लगा। हालांकि आपने इस फिल्म की खूब तारीफें सुनी होगी और खुद भी देखकर वाह वाही की होगी, पर कुछ बातों पर गौर नहीं किया होगा जो फिल्म में बहुत अटपटा सा लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये दोनों फिल्में एक जैसी हैं। तो बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी सोने के खदान के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा में लाल चंदन की स्मगलिंग के चारों तरफ घूम रही है। साथ ही केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी के पिता नहीं होते, वो अनाथ होता है और पुष्पा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मतलब दोनों को नाजायज दिखाया गया है। दोनों ही गरीब होते हैं, दोनों की माँ अपने अपने तरीके से उनका पेट पालती है। दोनों पैसा कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए इलाके के बड़े बड़े गुंडे और डॉन के यहाँ काम करते हैं। किसी के सामने वो झुकते नहीं, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। दोनों ही अपने अपने बॉस पर अपना पक्का विश्वास जमा देते हैं और पूरे धंधे पर काबू पा लेते हैं और बाद में कहानी खत्म होते होते वो सबके लिए खतरा भी बन जाते हैं। फिर लोग उनकी जी हजूरी करने लगते हैं। अब ऐसे में पुष्पा में लोगों को क्या खास लगा समझ नहीं आता, क्योंकि जो हम दूसरी फिल्मों में देख चुके हैं वही इस फिल्म में थोड़ा और सजा कर परोसा गया है। जब दोनों फिल्मों के पहले पार्ट कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो क्या आने वाले पार्ट भी समान हो सकते हैं? यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि जैसे अब केजीएफ 2 में कुछ नए विलन्स की एंट्री हुई है, तो पॉसिबल है पुष्पा में भी कोई नया विलन या कुछ नए कैरेक्टर्स फिल्म में शामिल हो। केजीएफ 2 में अब की बार रॉकी को पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाने वाला है, क्योंकि उसके दुश्मन पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें रवीना और फिर रमिका सेन के दमदार कैरेक्टर को एड ऑन किया गया है, जैसे नॉर्मल पिज्जा टॉपिंग्स पर एक्स्ट्रा चीज।
जी हाँ, रमिका फिल्म में एक्स्ट्रा चीज की तरह ही काम करने वाली है। ये फिल्म में स्वाद का वो तड़का लगाएंगी जिसको खाने के बाद हम वाह कहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसे ही नए एलिमेंट्स जोड़े जाएं, क्योंकि सुकुमार बॉलीवुड से तो बात कर ही रहे हैं, तो क्या पता वो बात कुछ इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर। लेकिन KGF 2 की रिलीज के बाद ही मेकर्स को पता चलेगा कि क्या पुष्पा 2 में ऐसा कुछ हो सकता है। पत्नी किस फील्ड में करती हैं काम? क्या OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी KGF 2? कौन गाएगा इस फिल्म में गाना? डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 KGF चैप्टर 1 के रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म के फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में कन्नड़ के सुपरस्टार यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार कोरोना की वजह से आगे बढ़ाई गई है। फिलहाल इस फिल्म की नई तारीख 14 अप्रैल 2022 है, लेकिन देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखकर ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हो पाएगी या नहीं। KGF 2 के मेकर्स इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि फिल्म OTT पर रिलीज होगी या फिर सिनेमाघरों में। KGF 2 एक बड़े बजट की फिल्म है और इसीलिए इसका सिनेमाघरों में रिलीज होना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने हर तरह से फिल्म को ऑडियंस के लिए अच्छा बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, फिल्म में प्रशांत नील ने बॉलीवुड के कई स्टार्स को काम दिया है। साथ ही इसमें बॉलीवुड की एक मशहूर सिंगर नेहा भसीन गाना गा सकती हैं। जी हाँ, नेहा भसीन हाल ही में बिग बॉस OTT और बिग बॉस 15 में नजर आ चुकी हैं। नेहा भसीन ने जग घूम या थारे जैसा ना कोई जैसे मशहूर गानों में परफॉर्मेंस दी है। अब इस फिल्म में नेहा आइटम सॉन्ग गाने वाली है या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग गाने वाली है, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे क्या आपको ये बात रवीना को क्यों करना पड़ा KGF 2 के लिए फिर से शूट? रवीना को क्यों पसंद आते हैं डार्क कैरेक्टर्स? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री का रुख ही बदल देती है और हिस्ट्री क्रिएट करती है, बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है और स्पेशल होती है। आपको भी कोई ना कोई फिल्म तो जरूर याद होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा लोगों को हर वक्त बात करते हुए और उसके बारे में बस अच्छा ही बोलते हुए। तो ऐसी ही एक फिल्म है और वो फिल्म थी KGF। इस फिल्म फ्रेंचाइजी को सबने इतना पसंद किया कि कन्नड़ फिल्म होने के बावजूद भी लोगों ने बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा इस फिल्म को प्यार दिया। अब जब भी कोई ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिसको इतने बड़े लेवल पर पसंद किया जाता है तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो भी इस फिल्म का पार्ट बन जाए, और कुछ ऐसा ही किया है 90 के दशक की क्वीन रवीना टंडन ने। रवीना टंडन ने ना जाने कितने ही गानों और कितनी अलग अलग किस्म की फिल्मों से हमें एंटरटेन किया है, और अब जल्द ही वो हमें KGF चैप्टर 2 में एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें, हमेशा ही बबली कैरेक्टर में नजर आने वाली रवीना टंडन कहती हैं उन्हें डार्क कैरेक्टर्स बेहद पसंद है और वो डार्क कैरेक्टर करना पसंद करती हैं और अपने आप को डार्क कैरेक्टर्स में ही सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज ने भी डार्क थ्रिलर